जैन दोस्तों, ये नवाडेरी है, गांव बूटा कपूरथला पंजाब में। पिंका जी हैं, ओंकार जी हैं, जो इस फार्म हाउस का संचालन करते हैं। बहुत अच्छा डेयरी फार्म है, पार्लर है, हर सहूलतें इनके यहाँ पर मौजूद हैं जो एक आधुनिक फार्म पे होनी चाहिए। और इसके साथ ही ये गायों का व्यापार भी करते हैं। वो आज जम्मू कश्मीर के लिए हैं इनकी गाय, वो नौजवान पशुपालक भी आए हुए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और इनसे भी बात करते हैं कि कैसे होता है रख रखाव। ये कहाँ के लिए हैं? ये जम्मू कश्मीर के लिए जा रही है, बारामूले। उनको भी बुला लो साथ में, आइए। नमस्कार जी। कश्मीर से? हाँ जी। कौन से जिले से? हम लोग बारामूला से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उवैस है, मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस? हाँ जी सर। कितना पढ़े हैं? मैं बीटेक किया हूँ। वहाँ कश्मीर में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ जी, वो सब गायों का काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, किसी का शौक है, कोई अपना बिजनेस इस तरह से करना चाहता है। हमने जहाँ भी वीडियो बनाई है, हाँ जी, तो वहाँ कोई एम टेक है, कोई बी टेक है, कोई एम बी ए है, कोई पी एच डी है, बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ जी। तो हम इन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जो आप लोगों को इधर खींच रहे हैं। सही बात है, अगर इनका व्यवहार सही रहेगा, हाँ, आप लोग सफल रहोगे, बिल्कुल, तो बात है। लोगों की संख्या बढ़ेगी। सही बात है। दूध ज़्यादा होगा। सही बात। तो क्या भाव बिकता दूध वहाँ? 40 तक ही बिकता है दूध, भी रेट भी सही है। हाँ, चारा क्या भाव पड़ता है? चारा यही जो इधर से लेके जाते हैं, साइलेज वगैरह, फीड वगैरह, और उधर की लोकल घास होती है। अच्छा, तो ये जो गाय दिखाई है उन्होंने, हाँ जी, आपने देखी? हाँ बिल्कुल देखी है। क्या दाम लगाया आपने इसका? इसका हम लोगों ने इसका 30-35 के बीच में इसका दूध। अच्छा। हाँ, ये तकरीबन हमें 1,20,000 तक। तकरीबन क्यों, एक एक्यूरेट क्यों नहीं? वही मान के चलिए अब एक बीस। हाँ जी। नहीं, मान के क्यों चले? ली कितने की? क्योंकि हमने जोड़े के हिसाब से ली हुई। अच्छा, जोड़े के। इसके साथ में और भी? हाँ जी, हाँ जी। कितने में है जोड़ा ये और इसका दूसरा है? 1,90,000। 1,90,000। इतने पहले तो अंकल जी 1.5 लाख की। पहली बार आए? पहली बार ये फॉर्म पे। कभी ज्यादा ले रहे? आपको लगता है ज्यादा ले सकता है पिंका कभी किसी से? अच्छा, तो ये कितना दूध है? 30-35? 30-35 किलो दूध बोला इनको। ब्याह कौन सी है? सेकंड में है। कब तक ब्याहेगी? ये ब्याही हुई है इसके, मगर फीमेल काफ है। फीमेल है? फीमेल काफ है। तो वो उसको कैसे फीमेल को रखेंगे, ये समझाया? सब समझा दिया। खाली पैसे लेने मतलब? सब समझा दिया, क्या इंजेक्शन लगने हैं बुखार में, भूख का, कितनी फीड डालनी है, कितना सैलेड डालना है, सब समझा दिया भाई उन्हों को। पहले भी इनके पास गाय थी। नहीं, आप बाद में रब्ता रखोगे? बिल्कुल, इनके साथ जा रहा हूँ, इनके साथ जा रहा हूँ, माल लेकर छोड़कर इनके घर पर डिलीवरी करके, और इनके जो संबंध है वो इनके जो फ्रेंड फोन कर रहे हैं उनको मिलने के लिए जा रहा हूँ, बल्कि कम से कम 10 गाड़ी और का ऑर्डर आएगा अपने को। तो ये जोड़ा 1,80,000 का? 1,90,000। इसको अकेले कितने की मानते हो? 1,20 की। तो वो दूसरी कितना दूध देती है? वो 24-25 किलो, वो 70,000 की दी। 35 की है ये? 35-35 किलो वाली है। साल में कितने दिन देगी एक ब्यांत में ये? अंकल जी अपना दूध देती है जब ये इंजेक्शन लग जाए, कम से कम 6 महीने, और 2-2.5 महीने इसको चाहिए ड्राई होने में। कितने पे ड्राई होगी ये? हो जाएगी ड्राई कोई, जब इसके नीचे दूध 8-10 किलो रह जाएगा तब हो जाएगा। दूसरे नंबर पर ये दिखा रहे? हाँ जी, हाँ जी। तो उससे सुंदर ज्यादा है? हाँ जी, हाँ जी। ये सेकंड टाइम है इसके, मगर मोर नहीं होती है। और ब्रीड उसी जोड़े में है? नहीं जी नहीं। हाँ, ये बकरी है। तो ये परसों ही जनी है, और इसके मगर फीमेल काफ है। दोनों के मगर फीमेल है? दोनों के मगर फीमेल है। अच्छा। और 25 किलो दूध इनको बोला है कि ये गाय देगी। अच्छा। तो और इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, और चवाई बहुत अच्छी है। 70,000 में इनको लेकर दी। एक ब्यांत में कितने दिन देगी दूध? 25,000 की? हाँ जी। 25 लीटर दूध देगी? हाँ जी। एक ब्यांत में कितने दिन दे देगी? कितने दिन मतलब? एक ब्यांत में कितने दिनों तक दूध देती रहेगी ये? अंकल जितनी देर इसको अपना प्रेग्नेंट नहीं कराते उतनी देर तो देगी। कितने महीने ट्राई करोगे?
दो महीने तो छोड़ेंगे ना इसको दूध में, अगर ढाई महीने छोड़ दोगे तो फिर अपना बेनिफिट है, ज्यादा दूध देगी। उनको बताया? हाँ बता दिया इनको कि कम से कम। हाँ जी हाँ जी सब कुछ बता दिया अंकल जी। और ये भी बता दिया कि रेट कम बताना वीडियो? नहीं नहीं कोई 100 रुपया नहीं बोलना। ये बोलते थे, मैंने बोला अंकल जी किसी बात में झूठी बात को तो बोलते ही नहीं है, वो बोलते ये आपने झूठी बोला है फिर मैं नहीं आपकी मदद करूंगा और मैं वीडियो बनाने नहीं आऊँगा। अंकल सच्चे बंदे और सच्चाई के मगर ही जाते हैं, किसी के मगर लग के वो नहीं बोलते। कितनी खेती है वहाँ पर? फिर मैं, हम लोग खेती का काम नहीं करते। खेती काम नहीं करते? नहीं नहीं। फिर क्या करते हैं? मैं आपको बोला मैं बीटेक के हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अभी मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करोगे? अभी यहाँ से लेकर जा रहे हैं हम लोग, हाँ। फिर बाकी सब कुछ 10-15 लाख का खर्चा आएगा। अब कितना खर्चा आया अब जो खरीदी उन पे? ये 5,60,000। 5,60,000? हाँ जी। ये जो गाय है इतनी दुबली टांगे हैं, बिल्कुल स्लिम है, और ये देखी टांगे उसकी? हाँ जी हाँ जी। तो आपको क्या गुण नजर आया इसमें? हम लोग तो अंकल जी भरोसा कर रहे हैं। पिंगा पाली ट्रेनिंग की कुछ? नहीं नहीं कोई ट्रेनिंग। कैसे पालोगे? बस इन पे भरोसा कर रहे हैं, उधर मैं आदमी रखे हुए हैं उसके ऊपर। ऐसा है कि अब दूसरे के सर के ऊपर तो काम चलता नहीं है अगर आप खुद नहीं उसको करोगे। उस आदमी को हमने ट्रेनिंग दे रखी हुई है जो अच्छा। इसके साथ ये क्रॉस में है क्या? प्योर में अंकल जी, प्योर में। प्योर में मुझे ज़्यादा गल कम्बल दिखाई दे रहा। नहीं अंकल जी प्योर में है। तो अपना जो ये इसके पैरों की वो है ना खुर, हाँ। ये बाढ़ में भी चढ़ सकती है, इतनी मजबूती है इस पैरों में। अच्छा। जो काले खुर होते हैं ना, हाँ। उसमें वो सबसे अच्छी गाय होती है। पक्के होते हैं? नहीं तो गल कंबल एचएफ के इतना होता तो है। ये एचएफ नहीं है जी, हाँ। ये डेनमार्क है। अच्छा डेनमार्क, हाँ। वो एचएफ नहीं आ गई? हाँ वो एचएफ। और अंकल जी इन्होंने मेरे पे इतना भरोसा किया है, ऊपर वाले परमात्मा पे किया है, दूसरा मेरे पे किया है। कितने दिन में तोड़ दोगे भरोसा? मैं तो कहता हूँ जितनी देर मेरी जिंदगी है कि मेरे भाइयों के साथ कभी भरोसा ना टूटे। और इनका 100 गाय का यूनिट बनाएंगे, ये अभी प्रैक्टिकली के लिए लेकर जा रहे हैं, इसके बाद ये बहुत तगड़ा काम करना चाहते हैं। तुम्हारे यहाँ पर ऐसे व्यापारी हैं कुछ जिनका रिश्ता जो है सिर्फ गेट तक है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो व्यापार ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर व्यापार डाउन हो रहा है तो उनका साथ में होना। सही बात है, सही बात है। चलो हम लोग तो किसी की बुराई करते नहीं है, नाम नहीं देते, लेकिन ये जो लोग पैसे खरीदने लिए आते हैं कैसे का बंदोबस्त करते हैं पैसे? सही का, बात है। ये लोग जानते हैं। तो आप का अपना पैसा है बैंक से कर्ज लिया? नहीं नहीं अपना पैसा है। बैंक सरकार जो सहूलत देती है? देती है, उसके लिए हम लोग आगे सोचेंगे। अभी तो एप्लीकेशन लगाएंगे? हाँ आगे लगाएंगे। कहते 50% तक देती है? 50-25 ऐसा डिफरेंट स्कीम है। रिश्वत भी चलती है? नहीं नहीं जी। झूठ बोलते? नहीं झूठ क्यों बोलेंगे हम। अच्छा रिश्वत नहीं चलती है। हमने सुना तंग बहुत करते हैं। तंग तो उसको करेंगे जिसको इस मतलब फील्ड के बारे में मालूम नहीं है या सिस्टम के बारे में मालूम नहीं है। जब आप तगड़े हो अपने सिस्टम में, आपको मालूम है क्या क्या स्टेप चढ़ना है, कहाँ कहाँ जाना, आपको कोई तंग नहीं कर सकता है। मुझे पहले दिखाई थी काली वाली, कौन जी, सी ब्यांत में? सेकंड में अंकल जी। सेकंड में है? हाँ जी। तो दूध कितना है? 25? हाँ जी 25। और ये? ये सेकंड में और एचएफ में अंकल जी। ये कल ही सुई है इसके, मगर भी फीमेल काफ है। अच्छा। ये प्योर में? ये प्योर एचएफ है, मगर इसके डेनमार्क का बच्चा है। नहीं ब्रीड में कहीं? एचएफ है? एचएफ ब्रीड में, प्योर प्योर ब्रीड में। तो और अंकल देखो ये कौन सी ब्यांत? सेकंड में अंकल जी, कल ही जनी है, ब्याह गई है। हाँ जी कल ब्याह। किसने क्या दिया? फीमेल काफ दिया है। तीन बताए सभी ने फीमेल? हाँ जी हाँ जी सभी ने। हाँ जी हाँ जी। तो अब इनके बाद बछिया हो जाएंगी? हाँ जी। अगले साल बाद दुगनी हो जाएंगी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब साल भर में फीडिंग कैसे करनी है, वैक्सीन कैसे करनी है, तो कैसे बताओगे फिर? इनको बताया कि बच्चे को 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को दूध छोड़ना है। जब बच्चा 20 दिन का हो जाएगा फिर 1.5-1.5 किलो कर देना, 1 महीने का हो जाएगा फिर 2-2 किलो कर देना। ऐसे ऐसे करते करते ही बता देना 3 किलो तक सुबह तक ले जाना, शाम तक उसके स्टार्टर फीड आती है, आधा किलो सुबह आधा किलो शाम को पाना। अच्छा। और इनको खुला सा खुला छोड़ देना, बना कर ना छोटा सा ग्वाल, उसमें खुला रहे, बैठे उठे, जो मर्जी करे। तो जब ये सीमन देंगे इनको 1 साल के होने के बाद में? हाँ जी। तो कुछ वजन वगैरह बताया कितना होता है? वो अंकल जी अभी इनकी डिपेंड करता है सेवा क्या करते हैं, कितना वजन करते हैं। ये तो क्या कंडीशन क्या होती है, कितने वजन पे सीमन देना चाहिए? मेरे कहने से मतलब तो ये है अंकल जी, जितनी देर बच्ची 1.5 साल की हो जाए कम से कम, फिर प्रेग्नेंट करानी चाहिए। ये तो
अगर डेढ़ साल की कमजोर रह जाएगी फिर भी दे दोगे? नहीं, फिर देने का फायदा नहीं, वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। वजन कितना चाहिए? वजन चाहिए कम से कम कोई दो से ऊपर, दो ढाई क्विंटल। ढाई क्विंटल से ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। तीन होगा तो और बेहतर है। बहुत बेटर है। सुना आपने बात? हाँ जी। तो आप जॉब भी किए कभी? कर रहा हूँ जॉब। कितने पैसे मिलते हैं? मैं तकरीबन पौने दो लाख। पौने दो लाख मिलते हैं पर महीने? हाँ जी। बहुत बढ़िया है। तो फिर पौने दो लाख ये काम दोनों कैसे करोगे? अभी करेंगे कुछ। कौन कौन साथ देगा घर में? मेरे साथ दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड दोस्त है। वो करेगा? हाँ जी। तो वो भी जॉब करता है? नहीं, वो जॉब नहीं करता, वो इधर इधर। हाँ जी, हाँ जी। तुम कितना समय दोगे? मैं जब मेरी छुट्टियां होगी तब दूंगा। नहीं तो रोजाना कितना समय निकालोगे इनके लिए? एक्चुअली मैं अब्रॉड में जॉब करता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं उसको सेटअप करके उसको समझा समझा के उसके साथ आदमी एक है फुल ट्रेनिंग पे है, फुल ट्रेनिंग है उसको डेयरी का, वो लोग उसको चला लेंगे। चला लेंगे? हाँ जी। यार ऐसा तो नहीं हो वैसे कहीं आप जो है बाद में इसको दोष दो कि नहीं भाई ये खराब निकल गई, ये बीमार हो गई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, वीडियो कॉल का जमाना है। तो दूध कितना देगी? ये भी 25 प्लस देगी अंकल जी। 25 प्लस देगी? हाँ, देखो थन कितना सोना लगा। ऑर्डर तो इसका पहले जैसा है। तो ब्रीक बहुत है, ब्रीक बहुत है अंकल जी, ब्रीक बहुत ब्रीक। हाँ, ब्रीक है। मशीन के वाला है ना, इनके पास मशीन है। हाँ, मशीन वाला था। अच्छा, कितना टाइम हो गया? कल ही ब्याई है जी ये। कल ब्याई? हाँ, कल ब्याई है शाम को 6 बजे। तो अब जो तुमने अब ये दिखाई सारी फीमेल दी हैं और ब्याई हुई हैं, तो मिल्किंग इनको करके दिखाई? मिल्किंग अंकल जी हमने पूरी फुल गारंटी दे दी है इनको मिल्किंग करने के लिए। हमने बोल देंगे, कोई नहीं करा देंगे। बाकी उन्होंने बोला कि पिंके बाजी जो आपने लेकर देना अपने यकीन पे और अपने विश्वास। नहीं तो वहाँ जा करके अगर फीडिंग ठीक होगी तभी देंगी ना दूध तो अंकल। अगर फीड पूरी नहीं देंगे, अभी तुम बता रहे थे कि वहाँ पर वो जो बोल रहा है ये हो गया, तो वो कहता है अंकल पंजे जो तुमने वो भेजा है करिंदा साथ में, वो कहता है कि कभी चारा खत्म हो जाता है, कभी मिनरल खत्म हो जाता है। अंकल पता क्या बात है, वो पंजे उंगली कभी एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि इन्होंने खुद उधर सब कुछ लाकर रखा हुआ है। 15 बैग फीड के है, तूड़ी स्टॉक किया हुआ है, 4 सैलेड। आपका केयरटेकर कितनी देर वहाँ रहेगा या आप कितनी देर रहोगे? मैं तो जितनी देर ये बोलेंगे मेरे भाई जान मैं उधर रहूँगा, कोई बात नहीं। इनके लिए मेरी जान भी हाजिर है। पीछे अपना है, मेरे लेबर वाले बंदे हैं, पूरे जिम्मेवार हैं अंकल। तो दूसरे व्यापारियों को डील करना हो तो तुमने करना है। तो अंकल इनके साथ मेरा कमिटमेंट था कि पिंके बाजी हमारे साथ जाना है और आप हमारे घर तक पहुँचना है, और हमने आपको कईयों के साथ मिलाना है। ये क्या दाम की है? ये अंकल जी अपना जोड़ा दिया है इनको। वो जो पहले दी थी? नहीं जी नहीं। हाँ, ये भी जोड़ा है? ये भी जोड़ा है। तो जोड़े में एक दिखा रहे दूसरी दिखाते नहीं। दिखा रहे दिखा रहे। कोई गड़बड़ है? नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ वाली नहीं है। सभी बच्ची इतनी अच्छी अच्छी बच्ची दी है इनको कि ये सारी जिंदगी पिंके भाई को भूलेंगे नहीं। तुम हीरो बनते हो? नहीं, हीरो क्यों बनना है। बड़ा आज खुशी हो रही है कि अपने भाइयों को इतना अच्छा माल लेकर दे रहा हूँ और शाबाश मिलेगी वो लखनपुर में। कितना दाम बताया फिर इसका अकेली का? इसका दाम अंकल जी 90,000 रुपया। 90,000? हाँ जी। 25 किलो दूध? 25-30 किलो। ज़्यादा बोलते हो अंकल। ब्रीड में है ना? तो ब्रीड में तो पहले वाली भी है। जो उसके जोटे में है ना अंकल जी। हाँ। इनको जोड़ा दिया हमने 2,05,000 में। ये वाला इसके साथ जो गाय है। हाँ। वो कली 2 लाख की है। ला दिखा पहले वही दिखा। हाँ दिखाते हैं आपको। ये आयरशायर? हाँ जी, हाँ जी अंकल जी। बहुत चमकाई। मैं कह जी मैंने आज तक कभी गाय खरीदी नहीं ऐसी। कितना दूध देगी अंकल? दूध देगी ये 40 किलो पर 35 किलो बोली मैं अपने भाई को। गारंटी? मैं कह जी फुल तब तक भी आएगी? 20 दिन पड़े हैं अभी। 20 दिन? 20 दिन पड़े हैं। 20 दिन अभी खिलाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल अंकल। दाम क्या? इसका कोई दाम नहीं अंकल। जोड़े का कितना बताया? 2,05,000। तो अब कितने की रहेगी उसमें से? पहले वाली निकाल दी 90 की। इसका ही दाम लिया, उसको फ्री में दिया इसको। इतने तुम कौन से बोगे अंकल? आपने इतनी वीडियो बनाई है, अपने दिल से बोल दो कि ये पिंके पुत्र कितने की है, बस मैं यही सुनना चाहता हूँ आपसे। ठीक है सर, जो कहते ठीक है। अगर वहाँ जाके दूध नहीं दिया और इन्होंने कह दिया फिर तुम समझो तुम्हारी खैर नहीं। मैं क्या ये कहेंगे कि शौक अंकल आपने हमारी वीडियो बनाई थी पिंके बाजी के फार्म में। ये तुमने इतनी चमकाई, इतनी सुंदर सावधानी, यही रहते घर जाते हो? घर जाते हैं रात को। हम लेबर वाले को इसी चीज़ का पैसा देते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि चमकाओ इनको, खवाओ पिलाओ। हाँ।
ये रजेगी और हमें रजाएगी। रात में सपने भी इनके ही आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, सोते सोते भी सोचते रहते हैं सुबह इतनी गाय लेना है उसको देना। माँ से ज्यादा प्यारी लगती है ये? माँ की याद तो आती होगी? माँ तो 24 घंटे मुंह में रहती है, दिल में रहती है माँ। जिसने जन्म दिया उसको कैसे भूल जाएंगे, ये तो बाद में है। ये भी गौ माता ही है, माँ तो वक्री चीज है। अगली अगली गाय आ गई है जी, क्या बोलोगे इसके बारे में? ये अकेली है जोड़े में? ये भी जोड़े में, ये भी जोड़े में। सारी जोड़े में है तो फिर दूसरी वाली कहाँ चली जाती है? एक का जोड़ा दिखाए और दूसरी भी दिखा। आपको क्या नजर है, क्या क्या कहोगे इसके लिए? गाय तो ऐसे अच्छी है, ब्रीड में, ब्रीड में डेनमार्क की है, डेनमार्क ब्रीड की है तो डेनमार्क। हाँ जी, इसका गारंटी है 30 किलो दूध का। 30 किलो? हाँ जी, फुरबी किस तक बोला देगी, 30 की गारंटी है। फुरबी काले हैं? हाँ जी। है 25 किलो खीर सर। कौन सी ब्याज की है? यस, सेकंड टाइम रहा शेदान दा अंकल की है। नहीं, सेकंड में है। तुम कैसे हम बोलते थे थर्ड में है वो। तो इसका घुटने बता रहे हैं, खोर बता रहे हैं, ऑर्डर बता रहा? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसे घुटने से नहीं पता लगता। नहीं, अब इसका ऑर्डर इतना नीचे लटक रहा है अंकल। अपनी अपनी होता है ना, जैसे अपना कईयों को आचर पट्टों में होता है, किसी का नीचे को होता है। और इसके थले 25 किलो खीस है आज, इसके 3 दिन हुए हैं। किसको देती है ये? 25 से लेकर 30 तक देगी जी। देगी बिल्कुल। तो क्या दाम की है ये? ये अंकल जी जोड़ा लिया है। हाँ। ये 75 की लेकर दी है। 75,000? हाँ जी। ब्याज बताया कौन सी? तीसरी? दूसरी। दूसरी फिर बोल गए? नहीं, दूसरी में अंकल जी, वो हमने उसको बोला था कि ये तीसरे में, वो बोलता है दूसरे में। उसके बोलने से क्या होता है, तुम्हारी नहीं आया क्या? चलो दूसरे में आप तीसरे में भी लगा लो अंकल। हाँ। पर दूध 25-30 किलो वाली है। दे देगी? बिल्कुल। तो ऑर्डर बहुत नीचे जा रहा है जी। ऑर्डर तो हुन अच्छा, जो परमात्मा की बहुत ब्रीड में होती है उनका ऑर्डर होता ही नहीं, लेकिन दूध वो भी 25 देती है। कईयों का ऑर्डर दिखाई मुझको बहुत सी। उनका ऑर्डर जो होता है पट्टो में होता है, अपने अपने पे डिपेंड करते हैं। जांघों के बीच में ऊपर ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आ गई अगली। हाँ जी अंकल जी, ये उसके जोड़े में है। हाँ जी हाँ जी, जो अभी गई है। कितना दाम बताया था जोड़े का? जोड़े 1,35,000 में दिया है। दोनों का जोड़ा? दोनों का। ये अकेली कितने की? 60 की जी। 60,000? हाँ जी। कितना दूध देगी ये अंकल जी? दूध देगी जी 18-20 किलो। 18-20 देगी, लगती तो ज्यादा वाली है। चलो आपा कम ही बोलना जी भाई जान। 20 तक दे देगी? बिल्कुल दे देगी जी, मौसम बहुत अच्छा। कब तक आना है इसने? इसको जी 20 दिन बाकी है। वहाँ तो मौसम अच्छा ही रहना। बहुत अच्छा मौसम है उधर, तो चाहे गर्मी हो जाए सब। सही बात है, बहुत अच्छा मौसम है। तो कौन सी ब्याज है इसकी? ये फर्स्ट में है जी। फर्स्ट में है? हाँ जी। दांत? बिल्कुल 4 दांत। 4 दांत। तो कहते हैं बॉर्डर के ऊपर बड़ी परेशानी होती है। परेशानी अंकल जी, अपना डेयरी वाले माल को कोई परेशानी नहीं है जी। तो ये सर्टिफिकेट बनवा के लाए क्या? हाँ, इनके पास परमिशन है, इन्होंने ऑर्डर डाला है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। डेयरी का माल है ना। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, माल बहुत अच्छा है, इसकी कोई प्रॉब्लम आएगी? साथ में जाओगे? बिल्कुल साथ में जाऊंगा। अगर कोई तंग करे बढ़ जाओगे? कोई तंग करेगा ही नहीं। अच्छा, हमने कोई माड़ी चीज दी होगी तो झगड़ा करेंगे किसी के साथ। हाँ जी। कितनी खरीदी इन्होंने? इन्होंने अंकल जी अपना 7 ही खरीदी है। तो कितना भाड़ा लगेगा अंकल जी? इधर से सीधी गाड़ी करेंगे इनके घर के लिए 40,000 में। 40,000 केयर टेकर कितने लेगा? टेकर के 2,000 रुपये बेचारा लेकर। साथ में जाएंगे नहीं? बिल्कुल। तुम भी साथ जाओगे? मैं तो साथ में। फिर तो सही सलामत पहुँच जाएंगे। बिल्कुल जी। लोग क्या करते हैं ना, केयर टेकर के छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है। जहाँ जहाज से चले जाएंगे, या ट्रेन से चले, या कार से चले जाएंगे, वो बाद में केयर टेकर और ड्राइवर जो है वो जो मर्जी करें। फिर वो कहते हैं केयर टेकर जी वो चारा ख़त्म हो गया, पैसे और भेजो। ये तो चलो कश्मीर तो छोटा सफ़र है, वहाँ जो उड़ीसा वगैरह जाते हैं। सही बात है। तो वो एक हमको बोल रहा था, कहता कि वो केयर टेकर को हम पूरा चारा दे के आए, तो कहता कि वो हमें पता चला ड्राइवर और वो दोनों मिलकर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, और अब वो कहता कि और पैसे भेजो। तो कहता जब हम पूरा चारा दे दिए, फिर भी मैंने कहा तो इतना जब तुम जानते हो, तो मैंने कहा पैसे तुम्हारे अपने हैं? कहता हाँ अपने हैं, कमाए हुए मैं कमाए हुए हैं। तो मैंने तो फिर अपने पैसे छोड़ के कैसे चले गए, साथ में क्यों नहीं गए गाड़ी के? अब रास्ते में वो क्या खिला रहा है क्या नहीं खिला रहा है, तो फिर छोड़ दो बात। अब जब तुम नहीं साथ ही नहीं गए तो अब शिकायत करने का क्या फ़ायदा? कहता हमारी गाय आधी रह गई, मैं अभी तो पहुंची नहीं है। अच्छा। तुम्हें कहते बस आधी रह गई। ठीक है। तुम कितनी शराब पीते हो? मैं कोई अंकल जी सिर्फ
कभी जिंदगी में नशा नहीं किया कोई। मेरी तरफ देख के बताओ। कभी भी नहीं। सही बात। कभी भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है। इसका दाम क्या है? ये 70,000 में दिए। 70,000। दूर कितना देगी? 25 किलो। पक्का? सेकंड एमरेड प्योर डेनमार्क 40116 प्योर में। प्योर में 70 किलो दे दी। 70,000 की दी है। 25 किलो दूध देगी। बढ़ भी सकती है। इनकी हिम्मत है 30 छोड़ सकते हैं। तो पैसे कम भी कर देते। 1,00,000 की अंकल जी। कितने छोड़ोगे इनको? जितने ये दे देंगे रख लेंगे। इनसे कोई सौदा नहीं है। हाँ। कसमी बात है, कोई सौदा नहीं किया। अच्छा। जो दे देंगे प्यार है इनके साथ। सब जगह वीडियो बनाने जाते हैं, तुम्हारा व्यवहार नजारा ही है। अंकल जी मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ। ये मेरे को एक कहते ना परमात्मा आप नहीं आता है, परमात्मा बंदा बेचता है। ये सिर्फ मेरे को भाई जान मिले हैं उधर लखनपुर में। मैं जा रहा था कश्मीर गाड़ी छोड़ने के लिए, तो मैं फोटो स्टेट करा कर आ रहा था, तो ये बैठे हुए थे। मैंने वैसे ही इनको पूछा, भाई जान क्या हाल है? कहते ठीक है। मैं कहाँ जा रहे हो? कहते पंजाब जा रहे हैं गाय लेने के लिए। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो इनके साथ मेरी बात हुई, इनको इन्होंने के साथ मेरा इतना का प्यार उधर पड़ गया कि ऐसे बहुत पुराने जानते हैं हम एक दूजे को। इन्होंने मेरे से लफ्ज़ किया कि पिंके बाजी चलो हमने जाना था कहीं और, ज़रूर आपको से माल लेना है और हम घूमने मैं जा रहा हूँ कश्मीर। मैं कहा भाई 2-3 दिन लग जाएंगे। बोले भावें 2 दिन लगन भावें 3 दिन लगन, तुम असी घूम लेने हैं तो तुम वापस आना है। तुम्हारे पास जोड़ने की कला तो है बहुत, तोड़ने की भी? नहीं तोड़ना क्यों अंकल जी? कभी सेब तो खिलाया नहीं? सेब उधर जब गया तो उधर कुछ है ही नहीं। आप इस बार जाऊँगा पेटी लेकर। सारा साल तो निकल गया। वही तो बात है ना, हम लेट भी हो सेब ले आएंगे अंकल जी, और क्या बात है आपके लिए पेटी ले आएंगे सेब। चलो लाओ ले लो। हाँ जी ओबास साहब। हाँ जी। आपने 7 गाय खरीदी? हाँ जी। अभी अगली फॉर सेल की दिखा रहे हैं। हाँ जी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस गाय के बारे में क्या सोचते हो, कौन सी ब्यांत की है? ये भी सेकंड में है। सेकंड में है? फर्स्ट में है। ये फर्स्ट में है। सेकंड जो फर्स्ट में होती है ना, तो उसका वो जो नीचे भल है। हाँ जी। सेकंड में भी बनता है लेकिन फर्स्ट में बहुत ज़्यादा बनता है, और कहते हैं वो बहुत जोरी होता है जो नीचे निकल लटक जाता है, और ऑर्डर में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसा होता है? सही बात है। तो ये कितना दूध देगी? अंकल 20 किलो। प्योर में? प्योर में। बड़ा माथा इसका ज़बरदस्त है। हाँ जी। हाँ जी। रात ही सोई है जी। ब्याह गई है? इसने क्या दिया? हाँ जी। इसने क्या दिया? इसने जी मेल काफ दिया। इसने मेल दिया, तो जितनी बेच दी सब फीमेल। हाँ जी। अब जो बेचोगे वो मेल? वो मेल बदल दिया। कुदरत से, कुदरत को पता है कैसा। तो कितना दाम है? ये अंकल जी 75 की दे देंगे। 20 किलो वाली 75 में? दिमाग सही है। ब्रीड बहुत है अंकल जी, अच्छा अच्छी ब्रीड का तो अंकल जी रेट है ना। तो 20 किलो दूध 18-20 बता रहे हैं। फर्स्ट में है ना अंकल जी, 25 बोल देंगे जूड़ का तो बोलना है। सेकंड में कितना? सेकंड में देगी 25। तो रेट? रेट यही 2-4 हज़ार रुपये फर्क पड़ेगा, और क्या फर्क पड़ेगा। अब कितना बताओगे? 75 की बोला, आपकी खातर 1,000 रुपये शॉर्ट कर देंगे। 20 किलो वाली है, कम है, 60 में चाहिए। कोई नहीं देता अंकल जी बाहर। क्यों नहीं देता? नहीं देता, चंगा माल ही नहीं बाहर अंकल जी है। तुम लोग ऐसे ही भाव बढ़ाते रहते? अंकल हमें कोई शौक है, हमें तो बिक्री करना है, 1,000-2,000 रुपये लेना है बस, बिक्री करना है। 7 गाय इनको कितनी देर में खरीदवाई? 2 दिन में, 1.5 दिन में। अच्छा। अपने यहाँ से कितनी दी? अपने यहाँ से दी है सिर्फ 2 दी, बाकी बाहर से। हाँ जी। तब इसका भाव कितना कर रहे हो? तो बहुत ही बढ़िया भाई करते हैं अंकल जी। इसकी क्वालिटी देखो कितनी है, और ब्रीड में ना ये दोगलेपन में होती है। 60,000 में दे दो? नहीं अंकल जी नहीं। हाँ। इतने पैसे तो कोई देगा नहीं इसके? अंकल जरूर देगा, जिसको पता है वो देगा। हमें बात करवा देना। बिल्कुल, जब बेचेंगे अपने वीडियो बनानी है। चलो ठीक। चलो 2 दांत कितना देगी दूध? अभी अंकल जी 20 दिन की बाकी है। अभी बाकी है सुने में? प्योर में है? प्योर में। कुछ क्रॉस है? मैं कह जी प्योर में, ब्रूट की है, ब्रूट की। कितना बताया दूध? अंकल जी दूध 25 भी दे सकती है, पर 20 मानो आप। 20 माने। दाम? दाम इसका जी 85। तुम वैसे तो हमको बहुत अच्छे लगते हो, जब दाम बोलते हो ना हमें अच्छे लगते हैं। अंकल पूरे पंजाब में इसका रेट हो गया 1,05,000। एक हम तुमको बात बताएं। हाँ जी। हमको जो बात सुनने में आई है लड़कों ने बताई। हाँ जी। वो कहते हैं कि वहाँ पर जो मोहर लगाते हैं ना, वो कहते हैं क्या करोगे वहाँ ले जाने के लिए, यहीं दिलवा देते हैं। तो एजेंट हैं, अब एजेंट जो हैं, अब आप ये मान लो आप सीधे लेके जा रहे हो ना, हम ज़्यादा बात तो नहीं करते,
आपको कम से कम 1 लाख रुपए का फर्क पड़ा है इन 7 गायों में, अगर सीधे लेके आए हो डायरेक्ट आए खरीदने के लिए। आगे भी ऐसे एडवाइस करना, अपनी आंखों से देख लिया, अपनी आंखों से पहचान लिया, जिम्मेदारी इनकी होगी। जब बीच में मीडिएटर आ जाते हैं ना, तो ये लोग भी जब इन्होंने कमीशन दिया हुआ है तो ये लोग भी दूसरी बातें करते हैं। सही बात है। कौन सी ब्रीड है ये? ये अमेरिकन ब्रीड है, ये फ्रीजन। देखो कितना सोना चेहरा है अंकल जी, ये अंकल जी सेकंड टाइमर। हाँ जी, पहले में कितना दूध दिया इसने? 24 किलो 25 किलो। और अब इतना मानो आप, अधिक नहीं जाएगी, चले जाएगी, बढ़िया है। और अपने को तो 24-25 किलो सेकंड में। आप सेकंड में अंकल जी क्या दाम में है इसका? दाम अंकल जी 80,000। तुमने इतने ऊंचे दाम बोले हैं ना इस बार, यार की क्वालिटी भी देखो, डर जाएंगे। क्वालिटी तो देखो, पसीना आ जाता सुनकर। लोग तो 1.5 लाख। कितना कम करोगे अंकल? कम वाली तो है नहीं है, बड़े वाली है। कम वाली लगती है आपको? आपने तो धक्के से शोर तो करानी है, करानी है यार। हमारे से 1,000 रुपये चढ़ा देंगे और 1,000 नहीं चढ़ेंगे। कितनी बता? जितनी आप बोलोगे। 70,000। नहीं अंकल, कौन दे देगा बार? नमस्कार नमस्कार।